दोस्तों, जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने फ़ोन के वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का ही टाइप है। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे कि आर्पानेट, जो कि यूएस की सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता था, पुराने टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और यही बेसिकली इंटरनेट की शुरुआत थे। और आज के इस वीडियो में जानेंगे इंटरनेट के बारे में और भी बहुत सारी बातें और जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब से ये कैसे डिफरेंट है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे इंटरनेट की। दोस्तों, इंटरनेट बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इंटरकनेक्टेड, दूसरा है नेटवर्क्स। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे नेटवर्क्स का मैंने जिक्र किया था वीडियो की शुरुआत में, उन सबको आपस में कनेक्ट करती है जो चीज, उसे कहते हैं इंटरनेट। बेसिकली ये सड़कों की तरह, जैसे सड़कें आपस में शहरों को कनेक्ट करती हैं, गांवों को आपस में कनेक्ट करती हैं, कस्बों को आपस में कनेक्ट करती हैं, वैसे ही इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्क कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क कनेक्शन फॉर्म करने में मदद करता है। तो 1960-70 तक जिस तरह से हम इंटरनेट को आज देखते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। पहले छोटे छोटे नेटवर्क कनेक्शंस हुआ करते थे, जैसे कि आर्पानेट हो गया, टेलेनेट हो गया और ऐसे ही स्पेसिफिक पर्पस नेटवर्क्स, नेटवर्क कनेक्शंस जो कि प्राइवेट एंटिटीज द्वारा बनाए जाते थे और उन्हें उन्हीं के द्वारा मेंटेन किए जाते थे और वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बेसिकली सर्व करते थे। इस पर्पस को सर्व करते थे कि जो इंस्टीट्यूशन उनको बना के रखा है, जैसे आर्पानेट है जिसमें 4, 5, 6, 10, 15 यूनिवर्सिटीज कनेक्टेड हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगी। पर उनके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन भी इनके साथ शेयर कर दे उस नेटवर्क के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं था उस वक्त तक। अब ये पॉसिबल हुआ 1980-90 में, जब लिबरलाइजेशन थोड़ा सा हुआ और प्राइवेट प्लेयर्स इंटरनेट की फील्ड में उतरने लगे, इस नेटवर्क कनेक्शन की फील्ड में उतरने लगे और तब सामने आई बहुत सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि ISPs, जिन्होंने इन छोटे छोटे नेटवर्क कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट करने का काम शुरू किया। और उसके बाद 1990 के अंत तक हमें ये जो इंटरनेट आज हम देखते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क कनेक्शन है, दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है आज के टाइम पे, मतलब हर 10 में से 6वां आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड है। इतना बड़ा नेटवर्क जो फॉर्म किया वो ISPs, थैंक्स टू ISPs जो 1990 तक उन्होंने आके सारे छोटे-छोटे नेटवर्क कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट कर दिया कि आज हमें इतना बड़ा नेटवर्क कनेक्शन मिल गया। तो बेसिकली ये था इंटरनेट जो आपस में चीजों को कनेक्ट करता है, आपस में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, आपस में फोन्स वगैरह को, जितनी भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करता है, वो है इंटरनेट। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। तो इंटरनेट जब फॉर्म हुआ, जब इंटरनेट आ गया, तब उस वक्त भी आज की तरह उसमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती थी। मतलब कि अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो आज, तो ये इंटरनेट पे पॉसिबल नहीं था उस वक्त जब इंटरनेट आया था। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया दुनिया में HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज थी जिसके जरिए वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट वगैरह को एक वेब पेज की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता था, एक वेब पेज जैसा बना देंगे, जिसके जैसे यूट्यूब के, अगर आप यूट्यूब ऐप खोलते हो तो फिर वहां पे आपको एक वेब पेज जैसा दिखता है जिसमें थोड़ा टेक्स्ट भी होता है, थोड़े वीडियोज भी होते हैं, थोड़े थंबनेल्स भी होते हैं, आइकन वगैरह भी होते हैं, बटन्स वगैरह होती है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये HTML के थ्रू पॉसिबल हो पाया था। और HTML को जिस प्रोटोकॉल के थ्रू इंटरनेट पे डिलीवर किया जाता था उसका नाम था HTTP, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको आज भी यूज किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब नाम का पहला ब्राउजर भी टिम बर्नर्स-ली ने ही दुनिया को दिया था। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट को इंटरनेट पे डिलीवर करने का तरीका था और इसकी वजह से ही जो आज हम इंटरनेट को देख पाते हैं, जिस तरह से हम आज इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जिस तरह से आज हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, वॉइस कॉल्स वगैरह कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, इन सब की शुरुआत उसी HTTP और उसी HTML की वजह से हुआ था जो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर अम्ब्रेला टर्म के अंदर टिम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस किया था दुनिया में। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब वो कार, वो गाड़ियां हैं जो किसी सड़क के ऊपर चलती है और वो सड़क इंटरनेट है। अब अगर कार नहीं होगी तो सड़क का कोई, अगर गाड़ियां नहीं होंगी तो सड़क का कोई खास फायदा नहीं है, और अगर सड़क नहीं होगी तो गाड़ियां किस पे चलाओगे। पर वैसे ही कुछ कुछ रिलेशनशिप है इंटरनेट की और वर्ल्ड वाइड वेब की। इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पे होगा, और अगर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा तो इंटरनेट का कोई खास मतलब है नहीं, वो आपस में सिर्फ कम्युनिकेट करती हुई डिवाइसेस हैं।
अब बात करते हैं कि अगर आप कार को सड़क, आप गाड़ियों को सड़क कहना तो शुरू कर नहीं दोगे या सड़क को गाड़ी कहना शुरू नहीं कर दोगे, वैसे ही आप इंटरनेट को भी वर्ल्ड वाइड वेब नहीं कहोगे और वर्ल्ड वाइड वेब को भी इंटरनेट नहीं कहोगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। आप मुझे कॉमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में क्या फ़र्क है और कैसे हमें इतना बड़ा और इस फॉर्म में जिस फॉर्म में इंटरनेट आज हम देख सुन पा रहे हैं उस तरह का इंटरनेट हमें मिला। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके नोटिफिकेशन टाइम में डिलीवर होते रहें। मैं इसी तरह हर हफ्ते आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।